क्षेत्र से, संसदीय क्षेत्र और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को निवेदन करूंगा जोरदार ताली और वर्षा में मिलने के लिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप की जय। इस पावन कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान के मुख्यमंत्री बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी अपना संबोधन दे रहे हैं। दिखाएंगे तस्वीरें आपको कि क्या कुछ कहना है उनका इस कार्यक्रम के तहत। जाहिर सी बात है, महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जा रही है। एक खास कार्यक्रम के तहत यहां पर तमाम दिग्गज पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां हैं, पीसीसी सचिव गोविंद सिंह डोटासरा को आप देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्रियों को आप देख पा रहे हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी यहां पर है, उनका स्वागत किया गया सांस्कृतिक तरीके से, एक मारवाड़ी तरीके से स्वागत किया गया। प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप आज दुनिया के इतिहास से, अगर भारत का इतिहास हटा दिया जाए और भारत के इतिहास से राजस्थान का इतिहास हटा दिया जाए और राजस्थान के इतिहास से मेवाड़ का इतिहास हटा दिया जाए तो कुछ नहीं बचता। पूरी दुनिया में आज इसलिए मेवाड़ को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है कि जिन्होंने महल छोड़ दिए, सुख सुविधा छोड़ दी, संघर्ष किया, कभी समर्पण नहीं किया, मेवाड़ को कभी पराधीन नहीं होने दिया, आज इसीलिए वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को दुनिया में याद किया जाता है। मैं अभी कुछ दिनों पहले लोकसभा अध्यक्ष जी के साथ वियतनाम गया था, वहां के राष्ट्राध्यक्ष जी और सब लोग बैठे थे, मेवाड़ की और राजस्थान की बात निकली तो उन्होंने कहा वियतनाम जैसा छोटा देश भी अमेरिका के सामने झुका नहीं तो उसके पीछे ताकत थी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जीवनी पर तक देश में। आज ये मेवाड़ अपने आप में तीर्थ स्थल है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी आभार प्रकट करता हूँ। आज इस उदयपुर की इस धरा पर 57 फीट की एक बड़ी प्रतिमा और पूरा मेवाड़ दर्शन यहाँ दिखाने का काम, मैं निश्चित रूप से आज इस मेवाड़ की धरा पर हम महाराणा प्रताप के लिए, उनकी जीवनी के लिए, उनके व्यक्तित्व के लिए बात कर रहे हैं। मुझे भी सौभाग्य मिला जब सांसद बना तो 2016 में भारत सरकार से मांग की वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के ऊपर डाक टिकट जारी किया जाए। मैं आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का डाक टिकट। हल्दी घाटी के युद्ध में जाला मन्ना ने हिंदुजा सूरज बचा रहे इसके लिए मुकुट पहन लिया, कवच पहनकर उनको सुरक्षित निकाला। 2018 में भारत सरकार ने उन जाला मन्ना के ऊपर भी डाक टिकट जारी किया। चित्तौड़ दुर्ग पर उनकी रक्षा के लिए राव जयमल जी ने, वो कैसे भूल सकते हैं जिनकी तलवारों की चमक से मुगलों की नींद उड़ जाया करती थी, ऐसे राव जयमल जी के ऊपर भी भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया। अभी कुछ दिनों पहले ही भारत सरकार के हेरिटेज सर्किट में चित्तौड़ राजस्थान के 6 जो हमारे मॉन्यूमेंट हैं वर्ल्ड हेरिटेज में सारे किलों के ऊपर और साथ में महाराणा प्रताप गौरव केंद्र में भी एक डिजिटल लाइट एंड साउंड की शुरुआत की गई ताकि हमारी ये गौरवशाली परंपरा आने वाली पीढ़ी के दिलो दिमाग पर रहे। हम पन्ना धाई को भी नहीं भूल सकते, कैसे बनवीर खून से लहू लुहान तलवार को लेकर आ रहा था लेकिन अपने कलेजे के टुकड़े चंदन को सुला लिया और उदय सिंह जी को बचाकर मेवाड़ के लिए, आप कैसे कैसे वो किरदार भुला सकते हैं हम लोग जिन्होंने स्वामी भक्ति के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए अपने बेटे का बलिदान दे दिया, कैसे हम लोग भुला सकते हैं। हम आज इस मौके पर राम प्रसाद को भी नहीं भूल सकते, अरे कोई और तो और, हाथी ने भी अकबर की दास्ता गुलामी स्वीकार नहीं की, अन्न त्याग दिया, जल त्याग दिया और अपनी मौत को गले लगा लिया लेकिन अकबर की गुलामी को स्वीकार नहीं किया। हम चेतक को भी नहीं भूल सकते जिन्होंने 26 फीट दरिया को छलांग लगाकर अपने स्वामी के लिए 3 पांव से भी, आज इसीलिए चेतक को भी याद किया जाता है। मैं पाणिग्राम कवि को भी नहीं भूल सकता जिन्होंने महाराणा प्रताप ने जिनको पगड़ी पहनाई थी और जब वो अकबर के दरबार में गए अकबर ने कहा कि पाणिग्राम तुम्हारी गर्दन झुकी नहीं मेरे सामने,
उन्हें राणा की गर्दी नहीं झुकी, ये उनके पहनाई हुई पगड़ी कैसे तुम्हारे साथ में। आज ऐसी वीर धरा पर आप और हम सबको कह सकता है। और आज आज मैं शेखाव साहब को नहीं भूल सकता, जिनका जन्म शती वर्ष चल रहा है, गोगुंदा से लेकर चावन और हल्दी घाटी में पहली बार महाराणा प्रताप की जन्म स्थली और सारे स्मारकों को डेवलप करने की एक शुरुआत की गई। मैं आप सबको ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए इतना जरूर कहूंगा कि आज देश में कोई आक्रंता महान नहीं हो सकता, महान तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ही रहेंगे।